एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो अभी ऑफिस जाने से पहले मेरे पास 5-10 मिनट थे, तो मैंने सोचा एक छोटा सा व्लॉग बना दूं। दिस इज़ रिगार्डिंग द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम एवरी RS 200 ओनर फेसेस। और आपको पता ही होगा ठंड में कितनी बार डिस्प्ले उड़ता तो नहीं है बट गायब हो जाता है। सो उसी का एक इशू है जो ये प्रॉब्लम हम फेस करते हैं, लाइक दिस प्रॉब्लम जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, जो मैंने अभी डेमोन्स्ट्रेट किया है। तो इसके लिए व्हाट यू शुड डू इज़ कि बाइक ठंडी हो जाती है और एकदम से हम सेल्फ लेते हैं तो पूरा करंट बाइक को चालू करने के लिए चला जाता है, तो उस तक पहुंचता नहीं है। इसकी वजह से वो जो डिस्प्ले है वो अपने आप रीस्टार्ट हो जाता है। सो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, जितने भी लाइट्स और जितनी भी सारी चीज़ें हैं सबको बंद करो, ये सारी चीज़ें बंद होनी चाहिए, ठीक है। फिर आप बाइक ऑन करो, न्यूट्रल में रखो एंड देन स्टार्ट योर बाइक, फिर कोई इशू नहीं होगा। अभी एक बंदर भाग के गया मेरे सामने डेमोन्स्ट्रेट करते हुए, अच्छा वो मुझे नहीं लेके गया। सो अब कोई इशू नहीं होगा और लेट इट बी आइडियल फॉर 2 or 3 मिनट्स, बाइक गर्म हो जाएगी फिर आप चलाओ। इट इज़ व्हाट वी कॉल एज कोल्ड स्टार्टिंग, बिकॉज ठंडी में बहुत इशू होता है, इंजन ऑयल अच्छे से सर्कुलेट नहीं होता। सो फॉर दैट सर्कुलेशन और फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ योर बाइक, इट इज़ नेसेसरी कि आप जब भी ठंड में सुबह बाइक स्टार्ट करो तो 2-3 मिनट के लिए आप आइडियली उसको छोड़ दो। सो आई होप यू वुड हैव लाइक दिस वीडियो। मैं आगे और ऐसे वीडियोज, हेल्पफुल वीडियोज बनाता रहूँगा। सो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।